क्रिमिनल जस्टिस जो बीबीसी की सीरीज़ थी, इसको इंडियन तरीके से अडेप्ट किया गया है, यहाँ के माहौल में बिठाया गया है. एंड जो चीज़ बहुत बारीकी से देखी गई है वो जो इंडियन मिल्यूज़ हैं, यू नो, डिफरेंट सेटअप्स ऑफ सोसाइटीज़, और जो क्राइम और जस्टिस का उन सोसाइटीज़ में रेलिवेंस है और कैसे उनको इफ़ेक्ट करता है. हर एक डिफरेंट सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से क्राइम और हमारा जस्टिस सिस्टम अफेक्ट करता है, उन सबको साथ में दर्शाया गया है. सो इफ़ यू नोटिस इट, यू नो, लिटिल माइन्यूटली, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ ग्राफ इन द वे पीपल आर, देयर अपब्रिंगिंग इज, देयर थिंकिंग पैटर्न इज, द वे दे डील विथ लाइफ एंड द वे लाइफ इज डेल्ट टू देम. सो उन चीज़ों को निकाल के एक थ्रिलर बनाई गई है. इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया हूँ और अच्छा लगा आकर, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला. मेरे घर वाले पसंद करते हैं इनको, बहुत प्यार करते हैं. फिर वो विवेक मैसिन आया, बच्चा विक्रांत आया हुआ है, वो खूबसूरत, थिंकमांशु, बाकी मीता जी, मतलब भरा, इतना खूबसूरत टैलेंट से भरा हुआ है कि बड़ा अच्छा लग रहा है. खुदा की इतना अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बता सकता. काम कुछ अलग करा रहा है, दिल से करा रहा है, निकाल रहा है. सिग्मांशु बैठा हुआ है, विशाल पुरिया बैठा हुआ है, इतने अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करना, तो समझ गया ना बड़ू. तो मेरा तो क्या, मैं तो पहुंच गया था आंख बंद करके और उन लोगों ने जितना निकाल सका निकाला, और बाकी तो ऐसे ऐसे हीरे हैं आसपास, तो वो चमकेंगे तो उसकी चमक हम पे भी थोड़ी रहेंगी. बहुत इंटरेस्टिंग है बाकी कामों के बनस्पति, ये इसमें एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसकी अपनी एक लड़ाई है. पावरलेस आदमी है, बिल्कुल पावर नहीं है, और एक पावरलेस आदमी को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे आसपास हम जहाँ से बड़े हो पले होते हैं, या मैं भी हुआ हूँ, तो सब पावरलेस लोग हैं, तो लगता है अपने टाइप का रोल कर रहे हैं.